आहल बेटा जी अम्मी तैयार हो गए जी। जानते हो आहल, हमारी आंखें नहीं है, लेकिन कभी हमें इस बात का गम नहीं हुआ कि हमारी आंखें नहीं है, लेकिन आज हम अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हम अपनी बेटी को देख नहीं पा रहे। कल तुम्हारा निकाह है और तुम दूल्हा बनने वाले। माशाल्लाह, दूल्हा बनकर तुम बहुत अच्छे लगोगे, बिल्कुल एक नवाब की तरह। आहल बेटा, क्या बात है कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो? अरे अपनी मम्मी को तो बता सकते हो ना, क्या बात है? मम्मी, कुछ नहीं हुआ है, आप इसे सवाल मुझसे बार बार मत पूछिए। आहे, सॉरी अम्मी। हमारी बात ध्यान से सुनो, हम जानते हैं कि तुम परेशान। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा अजीब फील कर रहा हूँ। But you know what, अम्मी आप इन बातों को छोड़िए, आपको ये जानना है कि आपका बेटा कैसे लग रहा है। हाँ। A billion bucks, लाखों में एक, नहीं in fact actually करोड़ों में एक लग रहा है आपका बेटा। आपको पता है, जो आपने शेरवानी चूज की थी, हाँ? मैंने एग्जैक्टली वही पहनी है, और जो दुपट्टा है अम्मी नवाबों वाला, इट इज सो गॉर्जियस। It's amazing, very rich. आपका बेटा बहुत handsome लग रहा है सबसे। So अम्मी, अब आप बताइए कैसे लग रहा होगा आपका बेटा? बहुत अच्छा, लेकिन इन सब चीजों के अलावा एक चीज पहनना मत भूलना, जो हमारी रिक्वेस्ट है, तुम्हारी मुस्कुराहट। तुम्हारी मुस्कुराहट इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी, जो लाखों में एक है। जी अम्मी, वो भी हो जाएगा। अम्मी एक सेकंड। हाँ आहिल बेटा, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो। अभी खुश नहीं होगे तो कब खुश होगे? पता नहीं, कौन जाने, तुम्हें निकाह के बाद हम खुश रहने का मौका दें या ना दें, बस एक बार ये निकाह हो जाए और तुमसे हम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें। उसके बाद हम अपना ये हद से ज्यादा अच्छी अम्मी और दुनिया की सबसे अच्छी सास बनने का नाटक बंद कर देंगे। वो निदा तो हमें इतनी खटकती है कि उसके बारे में सोचकर ही हमारा पारा चढ़ जाता है। नाजिया, शाजिया, आसमा बेटा, बहुत हो गया नाच गाना, चलो मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। जी। अरे नाजिया, वो मेहंदी के डिजाइन भी तो सेलेक्ट करनी है, चलो सेलेक्ट करो। जी।
बेगम साहिबा, इस डिजाइन में पालकी के बीच में दुल्हन बनी हुई है। अरे नहीं आसमा बेटा, ये तो बहुत पुराने डिजाइन है, कुछ नया देखो। जी बेगम साहिबा, ये मेहंदी बड़ी अच्छी है, एकदम महीन डिजाइन है, हल्की हल्की पतली पतली लकीरें हैं, बिल्कुल मेरे फिगर की तरह। मैं तो हुई छुई मुई। तब तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई अरेबिक डिजाइन नहीं है? हमारे आहिल बेटे की दुल्हन की हाथों में अरेबिक डिजाइन बहुत अच्छी लगी, वो ढूंढो। जी आर यू गाइस सीरियस? आप लोग मेरी मेहंदी का डिजाइन इनसे सिलेक्ट करवा रहे हैं जो देख भी नहीं सकती? दैट्स फनी। लाओ मुझे, मैं सिलेक्ट करूंगी अपना डिजाइन। हाँ हाँ नेता बेटा, तुम खुद सेलेक्ट कर। और वैसे भी निकाह तुम्हारा हो रहा है तो तुम्हारा तो पूरा हक बनता है। अपने इस निकाह में तुम्हारे जितने ख्वाब हैं वो सब पूरे कर लो। सनम, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मेरे लिए क्या? अब कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रस्ते पे देखा था तो एक्चुअली मुझे पता नहीं तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं। पर है क्या? हल्ला गजरा? रेहान आपको पता नहीं है मुझे गजरे कितने पसंद है, और खास तौर पे ये फूल कितने ताजे हैं और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। नहीं बहुत अच्छा किया आप ये लेके आए। आपको पता है जब से मैं पंजाब से यहां भोपाल आई हूं पहली बार मुझे किसी ने तोहफा दिया है। बहुत खुश हूं। बस रुक जाऊं क्यों, दिल ये मुझे कहता है जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। अब आप मेरी मदद करेंगे गजरा लगाने में? जो कबूल किसी ने किया है प्लीज। हो गया? हाँ। आहिल? हाय, तुम आ गए?
अच्छा किया तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। प्लीज मेहंदी का पैटर्न सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प कर दो। कम देखो प्लीज, उन चीजों में इन्वॉल्व मत करो। वैसे भी मुझे रियलाइज हुआ है कि मुझे बहुत जरूरी काम है, आई जस्ट कम बैक। आहिल तुम कहीं नहीं जाओगे, हम जानते हैं कि तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बेटा ये तुम्हारा निकाह है और आज से तुम्हारे निकाह के सारे फंक्शन शुरू हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम अपने सारे फंक्शन में शरीक हो। आओ। जी अम्मी, जैसा आप कहें। अपनी अम्मी की कितनी बात मानता है आहिल, है ना निधा बेटा? जी। अरे क्या हुआ, खुशियों का मौका है तो चलो खुशियां मनाते हैं। सनम बहुत ही अच्छा डांस किया। चलिए बेगम साहिबा, अभी मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। निधा को सबसे पहले शगुन की मेहंदी आप ही लगाइए, ये लीजिए।
अरे नहीं नहीं, हमारे खानदान का रिवाज है कि दुल्हन के हाथों में पहली मेहंदी दूल्हा खुद लगाता है। आसमा बेटा, आहिल को बुला, कहाँ है वो? पर आहिल भाई तो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे? क्यों? आहिल बेटा, इधर आओ और अपनी मेहंदी की रस्म शुरू करो। अम्मी, आपसे पहले भी कहा था कि मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ? तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, हम खुद आहिल को लेकर आते हैं। आहिल बेटा, हम चले जाएंगे आज। तुम दोनों जाओ और मेहमानों की खातिरदारी करो, जाओ जल्दी। आहिल बेटा, आहिल बेटा, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? आहिल, हम सब यहाँ तुम्हारे निकाह की खुशियां मना रहे हैं और तुम अपने निकाह की रस्मों में शरीक नहीं हो रहे, क्यों बेटा? क्या आपको पता, मुझे सब कुछ पसंद है और वैसे भी असली निकाह तो है नहीं जिसके लिए सारी रस्में निभाई जाए। आहिल बेटा, हम समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि ये असली निकाह नहीं, लेकिन आहिल बेटा, ये नकली भी तो नहीं लगना चाहिए ना। देखो बेटा, सबकी निगाह हमेशा तुम पर होगी, अगर किसी ने भी तुम पर उंगली उठा दी तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बेटा समझने की कोशिश कर। अम्मी, आपके कहने पर मैं तैयार हो गया इस निकाह के लिए, बट प्लीज और मत कुछ कहिए। आहिल बेटा, हमारी बात ये क्या किया तुमने बेटा? सारी मेहंदी गिरा दी। या अल्लाह, ये मेहंदी तो ये पूरी गिर गई। ये अच्छा वो नहीं होता। अरे वो जो अच्छे काम का होता है ना, वो शगुन। हाँ, अब तुम अपनी वो मनुष्य बातें मत करो। या अल्लाह, आहिल भाईजान की शगुन की मेहंदी तो नीता को लगनी थी ना। लेकिन ये तो सनम की हथेली पर गिर गई।